नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN News। दरभंगा में प्रशासन की एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां प्रशासन की ओर से साइकिल गर्ल ज्योति को साइकिलिंग के लिए एक ट्रेनर मुहैया कराया गया। देखिए, अपने पिता को 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल पर बैठाकर लाने वाली साइकिल गर्ल ज्योति का यूं तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई अन्य संस्थानों ने अपने पास बुलाया है, लेकिन ज्योति जब इन बड़े संस्थानों में जाएगी और वहां जो टेस्ट होंगे और उसमें पास नहीं हो पाएगी तो फिर उसे वापस लौटा दिया जाएगा। इसे देखते हुए दरभंगा SSP ने आज ज्योति को अपने पिता के साथ अपने चेंबर में बुलाया और ज्योति और उसके पिता मोहन पासवान से इस विषय पर उसके आने वाले भविष्य को कैसे संवारा जाए बातचीत की। बातचीत के दौरान ज्योति का रुझान साइकिलिंग की तरफ देख SSP बाबूराम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात की और पता चला कि नेहरू स्टेडियम में ही संजीव कुमार नाम का एक युवक लिपिक पद पर कार्य कर रहा है, जिसने साइकिलिंग में नेशनल खेला है। उसे बुलाकर SSP बाबूराम ने ज्योति के ट्रेनिंग का भार उन्हें दे दिया और आदेश दिया आगे ज्योति जहां भी जाएगी उनकी तैयारी दरभंगा में ही प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी और ज्योति को जिस भी चीज की आवश्यकता होगी प्रशासन उसे मुहैया कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। ऑफर तो बहुत मिले प्रशासन ने, लेकिन मौका दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए क्या अच्छा लग रहा है? सर ने पहल किया और जो पहल SSP साहब द्वारा जो पहल किया गया है काफ़ी सराहनीय कदम है। कितनी हर चीज़ को लेकर सीनियर अच्छा लग रहा है। आज 2 महीने बीतने को हुए, लेकिन अभी तक किसी ने भी ज्योति के बारे में ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने 1200 किलोमीटर पर फादर को बैठा के आपने बहुत बड़ी पहल की, और क्या ये पहल और इसकी ज़िंदगी बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये सर? देखिए, आज जो बच्ची है ज्योति कुमारी और इनके पिताजी, इनसे मुलाकात हुई तो मैंने जानकारी ली कि इनकी आगे की ट्रेनिंग कोचिंग की क्या व्यवस्था हुई है, ये आगे चलकर ये अपने पढ़ाई या स्पोर्ट्स को लेकर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अपने एक साइकिल लेके कुछ तैयारी कर रही हैं, लेकिन कोई सिस्टमेटिक तरीके से इनको जानकारी नहीं है कि आगे क्या करना है। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने पता किया तो दरभंगा में ही एक स्पोर्ट्स कोटे से एक यंग ऑफिसर, अभी उनकी मुलाकात इनसे करवाई है, संजीव जी नाम है इनका। तो उन्होंने काफ़ी टिप्स इनको दी हैं कि इनको अपनी फिटनेस के लिए और बेसिक ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक किसी अच्छे लेवल पे कहीं इनका एडमिशन किसी एकेडमी में नहीं हो जाता है, तब तक अपने घर पे रह के जो अपनी तैयारी कर सकती हैं तो उनके लिए संजीव जी रखता है, वो काफ़ी मदद कर पाएंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छे तरह आने वाले भविष्य में।